मेरी बात सुनो, तुमने अगर एक भी बुरी खबर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो क्या? उफ, मेरी तो जान निकल रही है, कसम से निकल रही है। उफ, आए हाय मेरा घर, मेरा खूबसूरत घर। आए ये दिन भी देखने थे मुझे। अगेन सोए फैमिली, इतना बड़ा नाम फिर भी निकलना पड़ रहा है हमें इस घर से। ऐसे मत कहिए आलिया साहिबा, ऐसा मत कहिए। सुबह से मेरा दिल धड़के चला जा रहा है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वक्त वापस मिल जाए ना तो कभी तुम्हारे बाप से शादी ना करूं मैं। लेने के लिए आ गए हैं वो, आ गए हैं वो। हा? क्या लेने आ गए हैं? कौन? कंपनी को टेक ओवर करने आ गए हैं। सारे सूटकेस छोड़ दो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? कंपनी में कौन आ गए हैं बेटा, क्या कह रहे हो, सही से बताओ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो कंपनी को खरीदने आ गए हैं, वो भी तमाम कर्जों के साथ, समझ आई आपको? कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी नेकी करने आ गए हमारे साथ, कौन है ये? मुझे क्या पता कि वो कौन लोग हैं मॉम, बस आप इस बात को जाने दे, यकीनन कोई बेवकूफ ही होंगे। बस मैं अभी देख कर आता हूँ। चलो आशाकुल सामान ऊपर रखो, अभी लोगों को बताना है कि हम यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ये जगह हमारी है, हम यहीं रहेंगे। औजान मुझे भी साथ लेके चलो। औजान, इतने सूटकेस कौन उठाकर लेकर जाएगा? ऐसा लगता है यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है। जानते हो कंपनी किसने ली? जिसने भी ली है बहुत बेवकूफ है, कसम से मुझे पता नहीं वो है कौन, डूबी हुई जगह ले ली। सही कहा तुमने, मुझे भी नहीं पता। इस कंपनी का वो हाल है कि सेकंड हैंड में भी ना बिके। मैं तो कहूंगा इन सब बातों को छोड़ो यार, नुकसान तो हमारा हुआ, ये लोग तो खुद बच गए हैं। हेलो यार, रुको तो, तुम लोग पहले समझो तो हुआ क्या है। तुम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो गए, चलो अभी हमें काम से नहीं निकाला है, अपना जाके काम करो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। कौन है आप, क्या कर रही हैं? आज के बाद तुम्हें जब भी आवाज दूं जवाब जरूर देना मुझे, समझ गए? देखिए मैडम, आप कौन हैं, क्या हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आइंदा मेरे काम के बीच में आने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। यहां पर मेरी मर्जी चलती है, समझ गई आप? कहां है, कौन है? अरे जल्दी बता दें कौन है वो, कहां है, इससे पहले कि अपना इरादा ही ना बदल दें। ये मैडम है अर्जु साहिबा। देखने में तो बहुत यंग है। वेलकम, मैं ओजान। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं आजान साहब। एक मिनट बेटा, एक मिनट। गुड मॉर्निंग, मैं आलिया एकिनसोए। आपको तो पता होगा हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। अरे सिर्फ हादसा ही नहीं था, ये तो अलमिया था हमारे साथ। लेकिन फिकर मत कीजिए, इतना बड़ा नाम है हमारा। माशा साहिबा, आपका ब्रांड बाहर से देखकर किस तरह का नजर आता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये एक डेड इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है ना मिस्टर ओजान? एनीवेज, ये सारी बातें ऊपर करेंगे, ये जगह मीटिंग के लिए मुनासिब नहीं। हाँ ठीक है, ऊपर चलते हैं हम। सिर्फ मिस्टर ओजान। क्या? चलें, जैसे आपकी मर्जी। अर्जुन, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एट द एंड तो नहीं, शुक्रिया आपको मेरा अदा नहीं करना है। असल में अंदर आए, मैं आपको मिलवाती हूँ पहले इस ऑफिस की नई बॉस से। ये है नई बॉस मैडम सनम।
नाज़ली? ओजान, 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 बच्चे, बेटा, उठो, उठो ना, ओजान, आंखें खोलो, ठीक हो ना बेबी? मिस्टर ओजान, कहाँ है वो? कौन कहाँ पर है? अरे कहाँ है वो? दूर से ही बात करें बेहतर है। ओजान, और आप सब बाहर जाइए प्लीज, फौरन बाहर जाएं और दरवाजा बंद कर दें। और मैडम आप भी प्लीज बाहर जाइए। लेकिन मैं तो कहा ना कुछ आपसे, पहली मुलाकात में सनम मैडम के सामने अपना इमेज खराब कर दिया है। मेरा मतलब वो, मेरी बात गौर से सुने आप, जो कुछ आपने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि सना मैम, नाज़ली, हम नहीं जानते कि ये नाज़ली साहिबा कौन है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन जो कुछ आपने किया वो सही नहीं किया। आई होप कि आपकी हरकतें देखने के बाद सना मैडम अपनी इस इन्वेस्टमेंट को डस्टबिन में ना फेंक दें। ये क्या कर दिया आपने? अब सुने, अगर चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डस्टबिन में ना जाए तो आपको सना मैडम के सामने आकर उनसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। प्लीज आलिया मैडम, ओजान ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? देखो इस तरह तो मैं मर जाऊंगी, बताओ क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने किया क्या है अब तक यही समझ नहीं आ रहा है मुझे। बैठो, देखो ये हमारी जिंदगियों का सवाल है, ये डील हर सूरत में होनी चाहिए। इसको मुमकिन बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, माफी मांगनी पड़े या पैर पड़ना पड़े, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी होगी, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरी बात सुन रहे हो ना ओजान?